नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। मैं सतीश चंद्र आपका दोस्त आज फिर हाजिर एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि मैंने आज ऑनलाइन करके एक माइक मंगाया है, जो कि दोस्तों ये बोया का माइक है और मैंने इसको परचेज़ किया है, क्योंकि दोस्तों अभी तक जो वीडियो बनाता था वो इस वाले माइक से बनाता था। तो ये वाला जो माइक था वो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी है, वो क्वालिटी अच्छा नहीं दे पाता था। तो इसीलिए दोस्तों मैंने आज ये माइक मंगाया है। और एक मेरा दूसरा चैनल है ब्लॉग का, तो उस चैनल पर भी मैं वीडियो बनाता था। तो उस पर वीडियो बनाता था तो क्या होता था कि ये वाला माइक उस पर काम नहीं कर पाता था, क्योंकि ये 1 मीटर लंबा है दोस्तों। तो अगर मुझे ज़्यादा लंबाई तक जाना होता था तो ये माइक नहीं जा पाता था। इसीलिए मैंने इस माइक को ऑर्डर किया है, आप लोग देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट से मैंने इसे मंगाया है। अभी मैं इसको आपके सामने इसे खोलूंगा और देखते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर कैसी पैकिंग है और किस प्रकार से इसके अंदर से जो है माइक वो निकलेगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसकी ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे सील लगी हुई है, यहाँ पे इसको टेप से हटा देना है। हटाने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये बोया का माइक, बोया लिखा हुआ है और आप लोग देख सकते हैं बोया का माइक है। आप लोग देख सकते हैं इसका प्राइस है, प्राइस भी अभी मैं आप लोगों को बता दूं। और इसके अंदर देख लेते हैं क्या है, कुछ नहीं है दोस्तों, ये डिब्बा हो गया खाली और इसके अंदर ये बिल निकला है। तो आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं 644 और GST 116। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बिल में लिखा हुआ है 761 रुपये का, ये मैंने अभी परचेस किया है। तो दोस्तों अब इसको करेंगे ओपन और अभी आप लोगों को रिव्यू करके इसका दिखाएंगे कि इसकी जो ऑडियो है वो किस प्रकार की होगी। तो चलिए दोस्तों इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब दोस्तों इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ निकलने वाली है। तो यहाँ से ये देखिए, इसके अंदर कुछ नहीं है दोस्तों, तो इसको अब साइड में रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें कुछ चार्ट ये है इसका, और ये देख सकते हैं ये यूज़र गाइड है इसकी, किस प्रकार से इसको यूज करना है ये सारा कुछ इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए कोई नहीं दोस्तों, ये बोया का ये चिट लगी हुई है दोस्तों, इसको यहाँ से छुटाकर और कहीं भी आप लोग चिपका सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं बोया का है। तो चलिए दोस्तों अब बारी है इसकी, इसमें से देखते हैं दोस्तों क्या क्या निकलता है। तो यहाँ से ये देखिए, ये सीलन के लिए होता है, यानी मतलब सीलन ना पहुँचे कभी, तो ये इसके लिए होता है, वो भी साइड में रखना है। अब आप लोग देख सकते हैं और अभी इसमें देखते हैं क्या है। ये कवर बहुत ही बेहतरीन लगा भाई दोस्तों, इसमें रखकर और आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं आप लोग। और इसमें ये DSLR के लिए है दोस्तों, और इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं वो भी खोल के दिखाऊंगा। ये कुछ नहीं है, ये टोकन है, इसके बाद ये खाली हो चुका है, इसको साइड में रख देना है। अब आप लोगों को दिखाते हैं कि इसकी केबल, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसकी केबल कितनी लंबी है और काफ़ी दूर तक इसे ले जाया जा सकता है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ से इसको खोला जा सकता है, ये देखिए इसको खोल के, खोलने के बाद यहाँ पे दोस्तों एक सेल पड़ेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे सेल डालेंगे, वो सेल भी इसके साथ आया हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं कितनी इसमें लीड मिल जाती है। आप लोग ब्लॉग का यदि वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए ये लीड, इतनी लंबी जो वायर है वो आपके लिए बहुत ही पर्याप्त रहती है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने ये बोया का माइक मंगाया है, और इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहती है, क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास ये बोया का माइक है तो उन्होंने भी मुझे इसकी क्वालिटी बताई, तो इसीलिए मैंने ये बोया का ही माइक मंगाया। तो अब इसको भी ओपन करना है दोस्तों, ओपन करते हैं, देखिए आप लोग
ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये DSLR के लिए होता है। अभी तो फ़िलहाल इसका समय नहीं है, क्योंकि अभी तो मेरे पास मोबाइल है, उसी से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये देखिए कॉलर में लगाने वाला जो है, आप लोग देख सकते हैं वो भी अलग है। और ये देखिए ये सेल है, सेल उसमें पड़ेगा तभी वो माइक चालू होगा। उसके बाद और इसमें क्या मिल जाता है, ये देखिए वो माइक के ऊपर से यहाँ पे आप लोग इसको लगा सकते हैं। देखिए अभी मैं आप लोगों को लगा के, ये देखिए आप लोग फिट हो चुका है DSLR। इसको रख देना है, अब इसको पैकिंग को भी रख देना है। अब इसको भी लगा लेना है कॉलर में लगाने के लिए। दोस्तों ये चिमटी है, इसको कॉलर में लगाने के लिए इसको भी लगा लेना है। तो ये यहाँ पे इसको फिट कर देना है। ये देखिए ये फिट हो चुका है आराम से, इसको कॉलर में अब आप लोग लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको मैंने पूरा असेंबल कर दिया है। इसके बाद ये सेल है, सेल भी निकाल लेना है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, चलिए अब इसको आप लोग यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ये देखिए इस तरह से ओपन करने के बाद अब आप लोगों को इसमें सेल डाल देना है। देखिए मैंने सेल इसमें लगा दिया है, लगाने के बाद इसको दोबारा से इसको कस देना है। कसने के बाद दोस्तों अब आपका माइक जो है रेडी हो चुका है।